दिनांक 7 नवंबर 1989, समय रात्रि 1 बजे, स्थान तिरुपति मंदिर। पूरा तिरुपति शहर और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण भी शयन कर रहे थे। इस घनघोर शांत रात्रि में अचानक ही मंदिर का घंट बजने लगता है। तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के श्री विग्रह के ठीक आगे जो बड़ा सा घंट है वो अपने आप हिलने लगा और उस घंट के नाद से पूरा तिरुपति शहर एकदम आश्चर्य में भरकर उठ खड़ा हुआ। मंदिर रात्रि 12 बजे पूर्ण रूप से बंद हो गया था, फिर ये कैसी घंटानाद की ध्वनि आ रही है। किसी भी जीवित व्यक्ति का मंदिर में रात्रि 12 बजे के बाद रहना संभव नहीं है, तो फिर किसने ये घंटानाद किया है। कोई जीव जंतु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था क्योंकि मंदिर के सारे द्वार 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो फिर ये कौन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस अलौकिक दिव्य चमत्कारी सत्य घटना के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो को वासी में तिरुपति क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, दक्षिण पूर्व का मानसून पूरी तरह विफल हो गया था। गोगर्भम जलाशय जो तिरुपति के जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है लगभग सूख चुका था। आसपास स्थित कुआएं भी लगभग सूख चुके थे। तिरुपति ट्रस्ट के अधिकारी बड़े भारी तनाव में थे। ट्रस्ट के अधिकारियों को यह भरोसा था कि सितंबर अक्टूबर की हवाओं से थोड़ा बहुत तो बारिश हो जाएगा, किंतु नवंबर आ गया था और वर्षा का कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ा बहुत बस महीने भर का पानी शेष रह गया था। मौसम विभाग स्पष्ट कर चुका था कि वर्षा की कोई संभावना नहीं है, सरकारें हाथ खड़ी कर चुकी थी। ट्रस्ट के सामने मंदिर में दर्शन निषेध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। दर्शन निषेध अर्थात दर्शन पूजन अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना। ट्रस्टियों की आत्मा स्वयं धिक्कार रही थी कि कैसे श्रद्धालुओं को कह पाएंगे कि जल के अभाव के कारण देव स्थान में दर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया है, किंतु दर्शन बंद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। विधर्मियों और मूर्ति पूजन के विरोधियों का आनंद अपने चरम पर था। नास्तिक लोग मारे खुशी के झूम रहे थे। अखबारों में खबरें आ रही थी कि जो भगवान अपने तीर्थ स्थान में जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं वो अपने भक्तजनों की सहायता कैसे करेंगे। सनातन अनुयायियों का खुले आम माखोल उड़ाया जा रहा था। सनातन धर्म को अंधविश्वास कहा जा रहा था। श्रद्धालु धर्मानुयायी रो रहे थे, उनके आंसू नहीं थम रहे थे। कुछ दिन और निकल गए किंतु जल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अचानक ही घबराए हुए ट्रस्टियों को कुछ बुद्धि आई और उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान और तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार 90 वर्षीय श्री उपलरी गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किए। ट्रस्टियों ने महाराज श्री से पूछा कि क्या वेदों और शास्त्रों में इस गंभीर परिस्थिति का कोई उपाय है। श्री उपलरी गणपति शास्त्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि वेदों और शास्त्रों में इस लोक की और अलौकिक समस्त समस्याओं का निदान है। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को वरुण जाप करने का परामर्श दिया। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को बता दिया कि पूर्ण समर्पण श्रद्धा और विश्वास से यदि अनुष्ठान किया जाए तभी अनुष्ठान फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं। श्रद्धा में अगर एक पैसे की भी कमी रह गई तो अनुष्ठान विफल हो जाएगा। ट्रस्टियों ने वरुण जाप करने का निर्णय ले लिया और दूर दूर के विद्वानों को निमंत्रण भेज दिया। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत ही बड़ा था। जल आपूर्ति मात्र 10 दिन का ही शेष रह गया था। 17 नवंबर को जाप का मुहूर्त निकला था, तभी बड़ी भारी समस्याओं ने ट्रस्टियों को परेशान कर दिया। जिन बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया था उनमें से अधिकांश ने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी। किसी का स्वास्थ्य खराब था तो किसी के घर में मृत्यु हो गई थी, किसी को कुछ तो किसी को कुछ समस्या आ गई थी। वरुण जाप लगभग असंभव हो गया था। दूसरी तरफ इन खबरों को अखबार बड़ी प्रमुखता से चटखारे ले लेकर छापे जा रहा था। सनातन धर्म धर्म अनुयायियों ट्रस्ट मंडल और तिरुपति बालाजी का मजाक बनाया जा रहा था। धर्म के शत्रु सनातन धर्म को अंधविश्वास सिद्ध करने पर श्री PB RK प्रसाद साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रो रोकर अंतर हृदय से प्रभु वेंकटेश से प्रार्थना की।
सारे ट्रस्टी और भक्तों ने भी प्रार्थना की। सभी ने प्रभु से प्रार्थना की, क्या वरुण जाप नहीं हो पाएगा? क्या मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे? क्या हजारों लाखों साल की परंपरा लुप्त हो जाएगी? 7 नवंबर 1989 रात्रि विश्राम के लिए मंदिर के पट बंद हो चुके थे। मंदिर में कोई नहीं था। सभी चिंतित श्रद्धालुगण अपने अपने घरों में रो रोकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक रात में मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा। घंटनाद से पूरा तिरुमाला पर्वत गूंज उठा, मानो प्रभु सबसे यह कह रहे थे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे दिन सुबह से ही वरुण जाप के लिए अनुकूल खबरें मिलना प्रारंभ हो गया। जिन विद्वानों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, उनकी उपलब्धि के समाचार आने लगे। जो विद्वान अनुष्ठान से मुंह फेर रहे थे, वो पूरी शक्ति के साथ अनुष्ठान में आ डटे। वरुण जाप 3 दिनों तक चलने वाला परम कठिन वैदिक प्रक्रिया है। वरुण जाप लगभग प्रातः 3 बजे आरंभ हो जाता था। इसमें कुछ विद्वानों को तो घंटों छाती तक पुष्करणी सरोवर में खड़े रहकर मंत्र जाप करने होते थे। कुछ यज्ञ और होम करते थे तो कुछ वेद पाठ करते थे। 3 दिनों की इस परम कठिन वैदिक प्रक्रिया के 4थे दिन पूर्ण आहुति के रूप में सहस्त्र कलश अभिषेकम सेवा प्रभु श्री वेंकटेश्वर को अर्पित की जाने वाली थी। 3 दिनों का अनुष्ठान संपन्न हुआ, परंतु सूर्य नारायण अंतरिक्ष में पूरी तेज के साथ दे दीप्यमान हो रहे थे। बादलों का नामो निशान तक नहीं था। भगवान के भक्त बुरी तरह से निराश होकर मनी मन भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आखिर उनसे क्या गलती हो गई है। भगवान के अर्चा विग्रहों को पुष्करणी सरोवर में स्नान कराकर पुनः श्रीवारी मंदिर में ले जाया जा रहा था। पत्रकार चारों ओर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। चारों ओर विधर्मी घेर कर चर्चा कर रहे थे कि अनुष्ठान से बारिश, ऐसा कहीं होता है क्या? कैसा अंधविश्वास है यह, कैसा पाखंड है यह। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब और ट्रस्टीगण मन ही मन सोच रहे थे कि हमसे कौन सा अपराध हो गया है, क्यों प्रभु ने हमारी पुकार अस्वीकार कर दी, अब हम संसार को और अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे। निराशे भरे मन के साथ प्रसाद साहब अपने कदम आगे बढ़ा ही रहे थे, इतने में ही 2-3 पानी की बूंदे श्री प्रसाद साहब के माथे पर पड़ी। उन्हें लगा कि पसीने की बूंदें होंगी और घोर निराशा भरे कदम बढ़ते रहे मंदिर की ओर। फिर और 5-6 मोटी मोटी बूंदें उनके सर पर आ पड़ी, पर अगले क्षण कुछ और बूंदें उनके माथे पर पड़ती हैं। इस बार प्रसाद साहब आसमान की ओर सर उठाकर देखते हैं तो उनका मन खुशी से झूम उठता है। आसमान में काले काले पानी से भरे हुए बादल उमड़ पड़े थे और देखते ही देखते घनघोर मूसलाधार बारिश आरंभ हो जाती है। सारे भक्तगण खुशी से झूम उठते हैं, परंतु गौर करने की बात है, वर्षा केवल तिरुपति पर्वत के क्षेत्र में हुई, आसपास एक बूंद पानी नहीं बरसा। गोगर्भम जलाशय और आसपास की कुआएं पानी से लबालब भर गई थी। इंजीनियरों ने तुरंत आकर बताया कि पूरे वर्ष तक जल आपूर्ति की कोई चिंता नहीं है। पत्रकार और धर्म के शत्रुओं का मुंह काला हो गया था, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। भक्त मंडल जय जयकार कर उठे थे। यह घटना सबके सामने घटित हुई थी और हजारों पत्रकारों और प्रत्यक्षदर्शी इसके प्रमाण थे। भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवास कोई मूर्ति नहीं, वरन साक्षात स्वयं श्रीमन नारायण है। अपने भक्तों की पुकार सुनकर वे आज भी दौड़े चले आते हैं। भक्त हृदय से पुकारे तो सही। जय तिरुपति बालाजी, जय श्री कृष्ण, जय गोविंदा।